कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज ये हमने आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आम का अचार। तो आम का अचार जो तेल वाला मसालेदार जो आम का अचार बनाया जाता है, तो उसकी रेसिपी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पहले हमने लिया है 1.5 किलो आम। 1.5 किलो आम को, जैसे कि इस टाइम चल रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में हम मतलब सारे सब्जियों को और सारे फलों को खूब अच्छे से धुल के साफ़ करके ही इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी हमें फल और सब्जियों को खूब अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें लगे हुए सारे जम्स कीटाणु निकल जाए। तो इन सारे आमों को हम अपने इच्छानुसार अपने साइज़ के मतलब काट लेंगे, और आप साइज़ चाहें तो इसको जितना भी छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो आम को कट करने का समय जो इसके बीज के जो बीज होते हैं, उस बीजों को हम निकाल के अलग कर देंगे। बीजों को हमें यूज नहीं करना है यहाँ पर। तो सारे आमों को ऐसे कट करके हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया है, तो ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसे रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए धूप में। तो फ्रेंड अगर धूप तेज़ निकल रहा हो तो आप 2 घंटे अधिक से अधिक रखिएगा, और वरना तो इसे आप 3 घंटे तक भी रख सकते हैं अगर धूप मीडियम हो। तो ये आप 2 घंटे बाद मैंने आम को उठा लाया है, आज छत पर से इसे फैलाया था मैंने। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम अपना हल्दी, और यहाँ पे फिर ऐड किया है हमने 250 ग्राम के आसपास नमक है। 250 ग्राम ही मानिएगा, 250 ग्राम हमने नमक यहाँ ऐड किया है। अब हल्दी और नमक को आम में अच्छे तरीके से हम इसको हिलाते हुए खूब अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब चूंकि हल्दी और नमक अभी में हमारा ड्राई है यहाँ पे, तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि आम का जो मॉइस्चर था उसे भी धूप लगने की वजह से वो भी ख़त्म हो गया है। तो बस ऐसे हिलाते हुए आम में सारा हल्दी और नमक को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम इसे फिर इसको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रखते हैं धूप में। अगर फिर मैं यहाँ कहूँगी कि अगर धूप तेज हो तो आपका आम का जो मॉइस्चर होता है वो मतलब 1 दिन में सूख जाएगा, क्योंकि धूप अगर तेज़ रहेगा तो नमक में जो पानी निकलेगा, नमक जो पानी छोड़ता है, वो 1 दिन में ही सूख जाएगा, वरना तो 2 दिन लगेगा। अब अगले दिन हमारा आम सूख के बिल्कुल रेडी हो गया। तो यहाँ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 150 ग्राम धनिया, और 100 ग्राम जीरा, और 10 ग्राम मंगरेल, 10 ग्राम हमने लिया है मेथी दाने, और 200 ग्राम हमने लिया है राई के दाने। तो इन सारे मसालों को हम एक एक करके अच्छे से अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छी तरीके से का मेरा मतलब है कि बस इसको हल्का सा हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे, बहुत अधिक इसे हमें नहीं भूनना है। मसालों को भूनते समय हमें ध्यान रखना है कि मसालों को हम ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे, बीच में इसको छोड़ेंगे नहीं। तो एक एक करके अलग अलग मसाले हम इसलिए इसको ऐसे भूनेंगे क्योंकि सारे मसालों को भूनने में किसी में कम टाइम लगता है, किसी में अधिक टाइम लगता है। तो यहाँ एक एक मसालों को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट हम कर लेंगे तो इससे इसका सौंधापन आएगा, मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, और इसे ग्राइंड करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा मसालों को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आम का अचार या कोई भी अचार बनाएं, तो जहाँ तक पॉसिबल हो तो आप ताज़ा मसाला ही यूज करें। ताज़े मसाले को मतलब अचार में डालने से इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इन मसालों को हम एक एक करके ऐसे भून लेंगे। तो यहाँ हमारा लगभग मसाला भी भून के रेडी हो गया। अब लास्ट में हम यहाँ भून लेंगे अपना राई। राई हम लास्ट में इसलिए भूनेंगे क्योंकि राई के दाने बहुत ही मतलब थोड़े नाजुक होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, बहुत जल्दी भून जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मसालों को मैंने कंटिन्यू हिलाते हुए ही भून लिया है यहाँ पर। और जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं, तो चलिए इसी पैन में हम यहाँ गरम कर लेते हैं अपना सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हमने यहाँ लिया है 1/2 kg, 1/2 किलो तेल हमने लिया है। सरसों के तेल को भी हम अच्छे से यहाँ पकने देंगे। तब तक हम पकने देंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकल जाए, तब यहीं फ्लेम को हम बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद हम यहाँ 1 बड़ा चम्मच लेंगे हींग। हींग डाल आप चाहें तो यहाँ स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो। अब चूंकि हींग से फ्लेवर अच्छा आता है, तो ये आप देखिए नमक और हल्दी खूब अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है आम में, और आम भी बिल्कुल सॉफ्ट है, ना तो बहुत कड़ा है और ना ही बहुत टाइट है आम हमारा यहाँ पे। तो गाइस जैसा मैंने अपने दादी और नानी के हाथों से आम के अचार को बनाते हुए देखा है और खाया है, तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे, उन सारे मसालों को यहीं आम में हम यहाँ ऐड कर देंगे। मसालों को ऐड करने के बाद हम धीरे धीरे इसमें अच्छे से मिला लेंगे, और लास्ट में हम थोड़ा सा मसाला बचा के रखेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम फिर लास्ट में इसको ऐड कर लेंगे, और धीरे धीरे आराम से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आम भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है नमक मिलने की वजह से। तो अब लास्ट में यहाँ ऐड करेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल तेल भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब चूँकि 1/2 किलो तेल है तो इस गिलास में नहीं आया था, तो इस गिलास के को मैंने मेज़रमेंट के लिए भी रखा था कि थोड़ा मेज़रमेंट भी हो जाएगा। आप चाहें तो अगर 1/2 kg नहीं है तो 1.5 किलो आम में ऐसे गिलास से भी नाप के डाल सकते हैं। तो 1.5 गिलास हमने यहाँ डाला है मस्टर्ड ऑयल। तेल बहुत अच्छे से ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल होना चाहिए,
बहुत गर्म या तेज़ गर्म या धीमा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसे ही हम मिक्स करके इसको रख देंगे। अब इसको हम तुरंत जार में ऐड नहीं करेंगे, जार में ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे बाउल में ये रहेगा तो धूप खूब अच्छे से लगेगा। तो बस ऐसे किसी सूती कपड़े या से साफ़ कपड़े से हम ढक के शाम को ऐसे धूप में रख देंगे। अभी शाम को पकने में हमारा 3 से 4 दिन लगेगा। 3 से 4 दिन में आम का अचार बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो गाइस 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं आम का अचार बन के बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फिर अगले।